सबसे खतरनाक पेट रोड का, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी बाइक जो भी चीज़ आप लेके जाएंगे। और अगर आपको गुर्दे में पथरी है तो ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप अपने बाइक चलानी है 4 दिन तक और वो तमाम पथरी आपकी खुली उतर नीचे आ जाएगी। लोग ये सवाल करेंगे कि आप बाइक साइड में चलाएँ तो भाई बीच में जगह ही नहीं बाइक चलाने की, क्या करेंगे। और वैसे भी जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं वो बाइक वालों को साइड में करेंगे। बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ के रोड की। और ये वाला जो बैज है, ये अगर आप शाम के टाइम पर आते हैं यहाँ तो ये वाला बैज पार करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा लगता है। अच्छा फिर भी ट्रैफिक चल रहा है दोपहर का टाइम, यही अगर आप शाम के टाइम पर आ जाएंगे फिर आज कम से कम 1 घंटा तो लगना चाहिए होता था। लेकिन 0.5 किलोमीटर का ये पैदल उसका पार आसान। तो फिलहाल कराची वालों से नजदीक में आ चुकी हैं कई सालों में और वो उसको लग रहे हैं तब तो काफ़ी हद तक आदि हुए। हम आ गए खाना मांगा आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि ये जो ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है ना, इसकी वजूहत जो है वो कितनी सी वजूहत है। और वो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि सिर्फ 10 लीटर डीजल में ये वाली वजह ख़त्म हो सकती है। जी हाँ, सिर्फ 10 लीटर डीजल में और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगना जी, सिर्फ 10 लीटर डीजल लगेगा। और ये जगह अगर पुरानों से नहीं हो रहा है कुछ, यहाँ किसी गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है कुछ, तो वो हमें बताएँ। हमें 10 लीटर डीजल के पैसे भी नहीं चाहिए, हमें खाली वो इक्विपमेंट दे दें जो हमें चाहिए, हम आपको जगह ले करके दिखाएंगे वो भी 10 घंटों में। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। और अभी आप वजूहत देखिए, वजूहत जगह होना शुरू हो गई। अभी तक तो साइड में मसले मसाइए थे वो अब जो है आगे जाके रोड में चल गया। जैसे आप गरीब संख्या आप कुछ नहीं कर सकते, ड्राइव करते हैं आपको बहरहाल ये है जी वो जगह पूरी तरह क्या है 0.2 किलोमीटर 0.3 किलोमीटर का ये सफर होगा, ये यादगार होगा। यहाँ ये हम उतर चुके हैं पहाड़ी इलाके में। यहाँ हम इस जगह मौजूद हैं सांगा मांगा के जंगलात में। अगर आपके पेट में दर्द वर्द है तो वो भी ये क्लियर कर देगा। और अगर हाँ आपने किसी दिन ज़्यादा खाना खा लिया है और आपको ज़्यादा हो गया तो भी आप इस वाले पैसा सकते हैं सकते हैं। एक राउंड से ही आपका सारा खाना या तो खून का जिगार हो जाएगा या हजम हो जाएगा। तो पापे खा के तो इस वक्त बिल्कुल नहीं आइएगा, अगर आपने सारे पापे खाए हुए होंगे तो पापे खून से मजबूर हो चुके होंगे। ये आप देख रहे हैं सेंटर में वो वाह वाह इतना ज़बरदस्त खटा है ये, वाओ फ्लाइट भी कर सकते हैं आप इस रोड में। आपने पहाड़ियाँ तो देखी इस रोड में छोटी छोटी। अब आप बताएं कि क्या ये स्ट्रैपर से स्ट्रैप करके उसको लेबल नहीं किया जा सकता, क्या ये नाहे नहीं ये आराम से लेबल किया जा सकता गवर्नमेंट में। इसमें कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा कि स्ट्रैपर आएगा और स्ट्रैपर से स्ट्रैप करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मछली जम गई यहाँ से आस पास
अभी हम ये तकरीबन महमूदाबाद के पास पहुंचने वाले हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं साइड में जो खूबसूरती कचरे की सूरत है, खूबसूरती का भी कोई नियमित बदल नहीं है, इस बात को कराची में मिलेगी ऐसे खूबसूरती, जबकि यहाँ से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग करते हैं कर पाए और चार का नागरिक बताता चलूँ कि यहाँ से दिन में दो चार बार तो एम पी एम एन ए और इस टाइप के जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो भी दार्जिलिंग करते हैं। तो ये हमारा सफ़र होगा कम्प्लीट तमाम आज के दिन में नए रूट और नए रोड के साथ फिर हाजिर होंगे आज का जिससे फिलहाल मुझे ज़्यादा दें पाकिस्तान जिंदा।